उधर दिल्ली विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। ये तस्वीरें जो आपने देखी मोहिंदर गोयल जी की, उसके अलावा नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने यमुना के प्रदूषण का मुद्दा सदन में उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। बिदूड़ी सदन में बोतल में बंद यमुना का दूषित पानी भी लेकर आए थे, लेकिन स्पीकर ने ये कहते हुए चर्चा से इनकार कर दिया कि LG ने सदन के हाथ काटे हुए हैं और वो चर्चा नहीं करवाएंगे। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया, तो पहले बीजेपी विधायक अभय वर्मा को और फिर अनिल वाजपेयी और OP शर्मा को भी मार्शल के जरिए बाहर कर दिया गया। बाहर किए जाने के बाद बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर धरना भी दिया और इन विधायकों से बातचीत की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने, तो बीजेपी के विधायकों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली विधानसभा में लगातार हंगामा चल रहा है। आज बीजेपी ने मुद्दा उठाया यमुना में प्रदूषण का और बीजेपी चाह रही थी कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष इस मुद्दे पर चर्चा कराएं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने से मना कर दिया और एक एक करके बीजेपी के जो विधायक है मार्शल आउट हुए। और उसके बाद अब विधानसभा में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दफ्तर है वहां पर उसके सामने बीजेपी के विधायक आकर बैठ गए हैं और मुद्दा है कि 8 सालों में यमुना का प्रदूषण दोगुना हो गया और यमुना के पानी का जो है सैंपल भी बीजेपी के विधायक यहां पर अपने इस धरने में साथ में लेके बैठे हुए हैं। अजय महावरा हमारे साथ में बीजेपी के गोंडा के विधायक हैं। क्या मुद्दा उठा रहे हैं जी आप, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री केजरीवाल 8 साल से झूठ बोल रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं कि हम हर वर्ष कहते हैं हम यमुना जी साफ करके उसमें लोगों को डुबकी लगवाएंगे और 8 सालों में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट, उनकी DPCC की रिपोर्ट कह रही है कि यमुना साफ नहीं हुई, यमुना दोगुनी प्रदूषित हो गई है। इस बात के लिए हम चर्चा चाहते हैं और वो चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। 3 साल में एक भी शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस, एक भी कॉलिंग अटेंशन हमारा स्वीकार नहीं हुआ है। परसों वायु प्रदूषण पे लगाया था, कल हमने भ्रष्टाचार पे लगाया था और आज हमने यमुना जी पर लगाया है। तीनों दिन ही हमारा चर्चा स्वीकार नहीं की गई है, जो अल्पकालिक चर्चा और शॉर्ट ड्यूरेशन कॉलिंग अटेंशन दोनों स्वीकार नहीं की गई है। हम चर्चा चाहते हैं, केजरीवाल बताएं कि दिल्ली की जनता को कितना झूठ बोलेंगे। 8 साल में आपने साफ नहीं किया, 2419 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया, 2021 में दिया और 2 साल हो गए उस बात को भी, आज तक उस पैसे का हिसाब क्या है? पिछले 8 सालों से लगातार वो यमुना को साफ करने का वादा करते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये वादा भी करते हैं कि यमुना को एक ऐसा पर्यटक स्थल बनाया जाएगा जिसको विदेशी सैलानी भी घूमने के लिए यहाँ पर आएंगे, मगर दिल्ली का अब दुर्भाग्य देखिए कि यमुना अब दुगनी मैली हो गई है और दिल्ली की जीवनदायिनी जो यमुना नदी है उसका हाल ये हो गया है कि उसके अंदर जो पॉल्यूशन जो है, उसका प्रदूषण जो है वो 2 गुना बढ़ गया है। तो अरविंद केजरीवाल साहब झूठ बोलते हैं, 2419 करोड़ रुपया जो नमामि गंगे के तहत दिल्ली को दिए गए वो सब भी भ्रष्टाचार में खो गए हैं।